हेलो दोस्तों, अभी हमारे पास में ये विदेशी टॉर्च, इसको दुबई टॉर्च भी बोलते हैं या सऊदीया टॉर्च भी बोलते हैं। तो इसको दुबई टॉर्च क्यों बोलते हैं उसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। देखिए, कुछ लोग हमारे यहाँ से दुबई वगैरह जाते हैं काम करने के लिए, और वहाँ से वो इस टॉर्च को लाते हैं या भेजते हैं। तो दोस्तों, ये टॉर्च जब यहाँ पर ख़राब हो जाता है तो उसको रिपेयर के लिए आता है, तो इसको हम दुबई टॉर्च या विदेशी टॉर्च के नाम से ही जानते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, इसमें जो प्रॉब्लम है ना वो क्या है, तो मैंने कुछ दिन पहले ये टॉर्च को रिपेयर किया था, ठीक है। तो इसमें मैं बटन एलईडी लगाया था, तो दोस्तों जैसे ही बटन एलईडी लगाया ना, तो उसके बाद में रिपेयर करके मैं कस्टमर को दिया, तो वहाँ पे इसमें जो दिक्कत है ना, इसमें जो लाइट जो आता है वो सामने, जैसा कि आप देखे होंगे विदेशी टॉर्च में, तो इस टॉर्च के अंदर में लाइट जो होता है लेजर की तरह लाइट आगे की ओर बहुत दूर तक फोकस जाता है, लेकिन जब मैं बटन एलईडी लगाया तो इसका लाइट ज़्यादा दूर नहीं गया और आसपास में ही फैला हुआ था, और सर्कल ज़्यादा लेता है लेकिन ये लाइट ज़्यादा दूर नहीं जाता है। तो दोस्तों, इसमें ये प्रॉब्लम बटन एलईडी लगाने के बाद ही आया है, क्योंकि इसका जो बल्ब था वो मेरे पास था नहीं, तो मैं इसमें बटन एलईडी लगाया उसके बाद में ये प्रॉब्लम आया है। तो उसका जो इसमें बटन एलईडी लगाया हूँ ना, तो इसका मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं कि मैंने किस प्रकार से इसमें बटन एलईडी लगाया। तो कस्टमर का बोलना था कि इसमें नहीं, ओरिजिनल जो बल्ब आता है वही आप लगा दीजिए अगर आपके पास है। तो दोस्तों, मैं आज मार्केट गया था तो वहाँ पे मुझे एक वो बॉल मिला, वो बॉल कितना का मिला वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए हम इसको फटाफट इसको ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद इसमें वो बल्ब लगाएंगे, तो मैं आपको वो बल्ब भी दिखा देता हूँ कि वो किस प्रकार का बल्ब है। तो जैसा कि अभी देख रहे हैं मेरे पास में इसमें वो बल्ब है, तो वो बल्ब मैं आपको दिखा देता हूँ। और दोस्तों, ये बल्ब काफ़ी छोटा है इसके, जैसा कि मैं आपको दिखा देता, देखिए मैं करीब से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें देखिए ये बल्ब कुछ इस प्रकार के है। तो इसमें आपको इस तरफ प्लस और इस तरफ माइनस आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ। तो देखिए प्लस का सिंबल है और माइनस का है, तो यहाँ पॉइंट बना हुआ है और इस साइड भी पॉइंट बना हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों, इसी को मैं इसके अंदर में लगाऊंगा, तो चलिए इसको यहाँ पे रखते हैं और इसको हम ओपन करके फिर आपको हम दिखाते हैं। तो ये लाइट को हम, तो इसको ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इसके देखिए यहाँ से ये ओपन होता है और यहाँ से भी ओपन होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको ओपन करते हैं, खोलते हैं। देखिए खोलने के बाद इसमें बैटरी कुछ इस प्रकार का रहता है, जैसा कि आपको पता होगा, अगर नहीं है तो ये बैटरी इसमें लगा रहता है। तो इसको हम साइड में रखते हैं, और उसके बाद में ये आगे की ओर से भी कुछ इस प्रकार से खुल जाता है, तो मैं आपको इसको खोल कर दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे यही मैं बटन एलईडी लगाया था, तो इसको हटाकर मुझे ये बल्ब लगाना है यहाँ पे एलईडी। तो दोस्तों, इसको हटा लेते हैं, और हटाने के इसका सिंपल इसका हटाने का कनेक्शन है, तो यहाँ से इसको रिमूव करेंगे, और यहाँ पे दो पॉइंट है जैसा कि मैं बताया, वहाँ यहाँ पे उसको लगा लेंगे, तो ये अच्छा तरीका से वर्क करेगा। मैं आपको आगे बताऊंगा कि वर्क करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो चलिए हम फटाफट इसको रिमूव करते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें उस दिन इसका स्विच भी प्रॉब्लम दे रहा था, कभी मतलब ये इसका स्विच काम करता है कभी नहीं करता है, मतलब हिलाने डुलाने पे काम करता है। तो मैं आज स्विच भी इसका चेंज करूँगा, और आपके साथ भी इसका स्विच, अगर आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम आए कि इसका स्विच ख़राब हो, तो आप उससे खुद से रिपेयर कर सकते हैं, वो भी 10-5 रुपया के स्विच आपको मार्केट में मिल जाएगा कुछ इस प्रकार का। इसको लेकर आप इसके अंदर में अच्छा तरीका से सेट कर लीजिएगा। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार का स्विच है, तो ये अच्छा तरीका से वर्क करेगा। चलिए इसको, अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसका जो बोर्ड होता है अंदर का,
उसको निकालने के लिए आपको इस स्विच को नीचे की तरफ रखना होगा, और फिर इस साइड से आपको बाहर की तरफ जिस साइड बल्ब रहता है उस साइड आपको धकेलना होगा। तो देखिए आराम से निकल गया। अगर आप सीधा करके निकालिएगा तो नहीं निकलेगा, ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे चार्जिंग पॉइंट देखने को मिल रहा है। तो इसको ओपन करने के लिए सिंपली कुछ करना नहीं है, यहाँ से ये आराम से ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे लॉक लगा रहता है, तो लॉक देखिए लॉक कुछ इस प्रकार के। लॉक हटाने के बाद मुझे यहाँ पे वो स्विच मिल गया, देखिए सेम स्विच है। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से हटाऊँगा और फिर इसको लगा दूँगा यहाँ पे, और उसके बाद में बॉल भी चेंज करूँगा और फिर आपको हम दिखाएंगे क्या ये वर्क करता है या नहीं करता है। तो इसका देखिए ये दोनों लेग है, ये यहाँ पे कनेक्शन है इसका और यहाँ पे है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से पहले हटाते हैं फिर इसको लगाते हैं, उसके बाद बॉल लगा कर फिर आपको हम दिखाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों मेरा ये आयरन ख़राब हो गया था, इसके कारण मुझे वीडियो को रोकना पड़ा। तो मैं दूसरा आयरन लगाया हूँ उसके बाद में। तो क्या करते हैं, सबसे पहले मुझे ये स्विच निकालना होगा। तो स्विच निकालने के लिए यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे इसका लेग, तो दोनों के निकालेंगे, यहाँ पे दोनों के गर्म करेंगे तो ये आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए हम इसको निकालते हैं, निकालना बहुत ही। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं ये निकल गया यहाँ पे, और थोड़ा सा लगा हुआ है तो यहाँ पे थोड़ा सा हीट करेंगे तो ये खुद ब खुद निकल जाएगा। तो दोस्तों तो जैसा कि देख सकते हैं मैं यहाँ पे इसका स्विच निकाल दिया हूँ, और इसको रखते हैं यहाँ पे साइड में, और इसके बाद में मैं नया स्विच यहाँ पे लगाऊंगा। तो दोनों साइड में दोनों लेग को मोड़कर जैसे लगा हुआ था वैसे ही लगा देता हूँ, फिर आपको हम दिखाते हैं। तो दोस्तों ये स्विच को लगाना बहुत ही आसान है, जैसे हम निकाले हैं वैसे ही इसको इस तरफ रखेंगे और उस तरफ से हीट देंगे तो ये खुद ब खुद उस साइड में इसका लेग आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको जहाँ से निकाले हैं वहाँ पे सामने में रखना होगा, फिर आपको इस साइड में इसको हीट देना होगा और वो लेग कुछ इस प्रकार से कीजिएगा। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताया हूँ वैसे ही मैं स्विच को लगा लिया हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों साइड से अच्छा से सोल्ड कर दिया हूँ, तो ये अच्छा तरीका से वर्क भी कर रहा है। तो कुछ इसी प्रकार से आपको स्विच लगा लेना होगा। तो अब चलिए इसको बल्ब को हम लगाते हैं, तो बल्ब आपको हम दिखा दें। तो दोस्तों देखिए बल्ब कुछ इस प्रकार का है, बटन LED। तो इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, हटाने के बाद फिर मैं आपको इसका जो बल्ब मैं जो मार्केट से लाया हूँ उसको लगा दूँगा। तो वो बल्ब ऐसा है, तो देखिए कुछ इस प्रकार से है। तो इसका पॉइंट देखिए प्लस पॉइंट इस साइड है और माइनस आपको इस साइड है। तो ये पॉइंट छोटा सा बिंदु आपको लग रहा होगा ना देखने को, तो यहीं पे ये वायर सोल्डिंग होगा। तो चलिए हम इसको फटाफट यहाँ से हटाते हैं, उसको बाद में फिर इसको लगाकर फिर इसको चेक करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसको हम चलिए फटाफट इसको हटाते हैं यहाँ से। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं यहाँ से हटा दिया हूँ और इसको अच्छा तरीके से सोल्डिंग करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए आपको एक चीज़ और करना होगा यहाँ पे दोस्तों, मैं थोड़ा तो देखिए यहाँ पे आपको ब्लेड वगैरह से थोड़ा सा स्केच कर लीजिएगा स्प्रिंट पे, यहाँ पे आपको सोल्डिंग करना है तो यहाँ पे थोड़ा सा स्केच कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका जो रंगा होता है अच्छा तरीका से यहाँ पे चिपक जाएगा, क्योंकि ये पूरा प्लेन रहता है। तो कुछ इसी प्रकार से आपको इसको रफ कर देना होगा, देखिए उसके बाद आप इस पर सोल्डिंग कीजिए, ये अच्छा तरीका से सोल्डिंग हो जाएगा। तो चलिए हम इसको सोल्डिंग करके फिर आपको हम दिखाते हैं। बहुत ही सावधानी से आपको ये काम करना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे
सबसे पहले आपको यहाँ पे थोड़ा सा रंगा लगा लेना होगा। पेस्ट देखिए यहाँ पे मैं लगा लिया हूँ और इस साइड भी। उसके बाद में हम इसको कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे रेड, जो जैसा कि आप देख रहे हैं रेड वायर, इसको हम प्लस पॉइंट में यहाँ पे कनेक्शन करेंगे इसको। तो इस साइड इसका प्लस है तो हम प्लस में इसको करते हैं। तो दोस्तों ये हो गया प्लस में, और इसका माइनस में करते हैं। उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस बताता हूँ कि करना क्या होगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे इसका कनेक्शन कर लिया हूँ बल्ब का। तो चलिए मैं थोड़ा करीब से आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं, जैसा कि मैं आपको बताया, प्लस में मैं रेड वायर और जो माइनस था वहाँ पे मैं इसका जो ये येलो पीला वाला था वो मैं सोल्डिंग कर दिया हूँ। तो चलिए इसको हम बोर्ड में कसते हैं और उसके बाद फिर आपको हम दिखा। तो दोस्तों मैं इसका बोर्ड को मैं इसके अंदर में डालकर फिर दिखाता हूँ आपको। चलिए हम फटाफट डालते हैं, उसके बाद ही आपको दिखाते हैं क्या मेरा वर्क करता है या नहीं करता है। तो कुछ इस प्रकार से कनेक्शन कर लेना है वो। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अच्छा तरीका से इसके अंदर में डाल दिया हूँ, और इस लाइट को यहाँ पे लगाना होगा तो ये लग जाएगा। तो चलिए हम इसको इसके अंदर में डालते हैं। तो इसके अंदर में डालने के लिए आपको ऐसे ही डालना होगा जैसा कि आपने निकाला था। ये स्विच को ऊपर का है उसको नीचे की ओर करके फिर आपको यहाँ से डालना होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप डालिएगा, तो इसके स्विच के नीचे की तरफ डालकर फिर आप यहाँ पे इसके अंदर में डालिएगा। तो एकदम आसानी के साथ ये चला गया, तो देख सकते हैं। और यहाँ पे मेरा स्विच भी अच्छा तरीका से वर्क कर रहा है। तो चलिए हम इसको बैटरी में डालकर पहले चेक कर लेते हैं क्या ये मेरा वर्क करता है या नहीं करता है। तो ये इसका बैटरी है, ऊपर की ओर ये प्लस है, और इसको हम इसमें, तो दोस्तों देख सकते हैं इसका स्विच पहले ही से ऑन है, तो ये अच्छा तरीका से वर्क कर रहा है। जैसा कि आप अभी देखें ये वर्क बढ़िया तरीका से कर रहा है। मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये स्विच है, तो स्विच को आप पुश कीजिएगा तो अच्छा तरीके से वर्क करेगा। तो देखिए ये जैसे कि काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस है दोस्तों, तो देख सकते हैं। तो कुछ इसी प्रकार से आपको इसका स्विच वगैरह रिपेयर कर लेना होगा। स्विच ख़राब हो तो वैसे ही लगा लीजिए, बल्ब ख़राब हो जैसा कि मैं अभी आपको वीडियो में दिखाया हूँ वैसे ही रिपेयर कर लीजिएगा। तो चलिए हम इसको फटाफट इसको कस लेते हैं, कसने के बाद फिर आपको हम दिखाते हैं। दोस्तों उसके ऊपर से ये रहता है, तो यहाँ पे आपको लगा लेना होगा। जैसा कि मैं लगा लेता हूँ तो ये लग गया, और इसके बाद इसके ऊपर से आपको इसको कस लेना होगा। आराम से इसको कस लीजिएगा, और कसने के बाद फिर मैं आपको, देखिए दोस्तों ये अच्छा तरीका से वर्क कर रहा है, तो इसका स्विच भी बढ़िया तरीका से काम कर रहा है। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, स्विच में दिक्कत है वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बल्ब का दिक्कत है वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो दोस्तों कुछ इसी प्रकार से आपको ऐसा टॉर्च आए तो रिपेयर कर लेना है, कोई बड़ी बात नहीं है। और इस पर मैं एक और वीडियो बना रखा हूँ, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप जाकर वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम था, और अभी मैं जो रिपेयर किया हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम था वो आपके सामने फुल रिपेयर किया हूँ। तो अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ सीख मिला है, कुछ जानकारी मिला है, तो आपको क्या करना है, लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, और साथ में सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो लाते रहता हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।